हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लाए हैं जो ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 की होने वाली है उसका रियल वायरल पेपर लेके आए हैं, जो कि जिन बच्चों का भी पेपर हो चुका है उनको, वो बच्चे आज जिनका भी पेपर हो गया है आज सभी लोग अपना पेपर मिलवा लेंगे, और जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन करके आप पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर, पूरे 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। ये रियल पेपर है, अर्धवार्षिक कक्षा 9 देगी 2024-25 का पेपर है, विषय हिंदी कक्षा 9। बिना टाइम को गवाए सीधे शुरुआत करते हैं। ये 2024 का अर्धवार्षिक पेपर है। देखिए, जहाँ पर सबसे पहले आपको खंड आ में क्या देखने को मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको पता है 20 नंबर के OMR क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हिंदी गद्य का अभी हुआ है, कब हुआ मतलब उद्गम कब हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका खा 19वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नागरी पिछाड़ी सपा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने की। ये ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंशाअल्लाह खां की रचना है। इंशाअल्लाह खां किसकी रचना है? रानी कैद की कहानी, ये इंशाअल्लाह खां की रचना है। ऑप्शन नंबर जो घा है राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो किस लिए प्रसिद्ध हैं? पहेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि पहेलियों या फिर यह कह सकते हैं कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर चार राइट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। पांचवा देखिए क्या है, कवि गंग कवि कौन थे? ये ऑप्शन नंबर का बादशाह अकबर के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः क्या है हमारा, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक हिंदी है हमारी, इसके गद्य के जनक कौन है, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया, भारतीय हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से आप जानते हैं भारतीय हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी युग का जनक कहा जाता है। ये देखिए 6 क्वेश्चन हो गए हैं। और बच्चों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि अभी केवल ही तो क्लास 9 का हिंदी का ही पेपर आया, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के और सभी क्लास के पेपर अगर आप टाइम पर लेना चाहते हैं तो आप चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि अगली साल से इस चैनल पर फ्री में तैयारी बच्चों को कराई जाएगी पूरे बोर्ड एग्जाम की। और उसके बाद ये देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निबंध मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। कितने? दो प्रकार के, चार प्रकार के, तीन प्रकार के, पांच प्रकार। ऑप्शन नंबर तीसरा, तीन प्रकार के निबंध होते हैं हमारा। आठवां क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, आत्मकथा लेखन का आरंभ कब से माना जाता है? छायावादी युग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नौ क्या कह रहा है, देखिए जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक क्या है? राजश्रेय नाटक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। हिंदी मतलब हिंदी, आधुनिक हिंदी के अगर नाम आता है तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आदिकाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपको तो पता ही होगा आदिकाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। वीरगाथा काल, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, अवधि भाषा में रचित महाकाव्य कौन सा नहीं है? साकेत नहीं है, कौन सा है ये पूछा गया है। साकेत तो है नहीं, उर्वशी भी नहीं है, प्रिय प्रभास भी नहीं है। ऑप्शन श्री रामचरित मानस है जो अवधि भाषा में लिखी गई है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है, कौन नहीं है? नाभादास सूरदास जी हैं, परमानंद दास जी भी हैं, चतुर्भुज दास जी भी हैं, और नाभादास जी जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं हैं। उसके बाद वहीं 14 नंबर क्वेश्चन जो है, भक्ति की शाखा नहीं है, भक्ति की शाखा क्या नहीं है? निर्गुण धारा, ये भक्ति की शाखा नहीं है। सगुण धारा भी, रीतकाल धारा भी, प्रेम मार्ग सब में भक्ति, लेकिन निर्गुण धारा भक्ति की शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 15, साखी शबद रमायणी किसकी रचना है? ये आपको पता होना चाहिए, साखी शबद रमायणी का नाम सुनते सीधे किसी को भी नहीं देखना, ऑप्शन नंबर कबीरदास पर सीधे टिक मार देना है। ये आपको मैं बता भी चुका हूँ बहुत बारी क्वेश्चन। उसके बाद जो 16 नंबर ही देखिए क्वेश्चन है क्या है, अज्ञान का विलोम क्या होता है? ज्ञान, ये बच्चों वाला क्वेश्चन इसमें दे दिया गया। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यथाशक्ति में समाज विग्रह है। यथाशक्ति में मतलब ये कौन सा समाज विग्रह पूछा गया है, यानी समाज संधि विच्छेद नहीं पूछा गया, नहीं तो आप लोग यहाँ से यथाशक्ति समाज विग्रह यानी कि शक्ति के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बाद
उसके बाद देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तननी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में अलंकार, तननी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये पंक्ति आपको याद रखनी है, हर बार पूछी जाती है, क्लास नाइन्थ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, टेंथ वालों के लिए इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार का ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जिसमें आपको अनुप्रास अलंकार का टिक मारना है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है जो अस्थि शब्द का तद्वो, यानी अस्थि क्या होता है, कलश या हड्डी या अच्छु या अग्र, आपको पता है अस्थियां यानी हड्डियां से संबंधित है, इसका तद्वो हड्डी हो जाएगा उसका नाम। और हमारा ओएमआर में जो बहुविकल्पी खंड आ का जो लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन होगा, गंगोदकम का संधि विच्छेद, गंगोदकम यानी कि गंगा का उद्गम, यहाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर गा जो है गंगा उद्गम, ये राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपकी 20 क्वेश्चन ही खत्म होते हैं, उसके बाद हमारा खंडवा चालू होता है जो कि पूरे 50 नंबर का होता है, आपको पूरे कॉपी में लिखना पड़ता है, ये 50 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद हमारा ये वर्णनात्मक प्रश्न, ये वर्णनात्मक प्रश्न हमें कॉपी में सॉल्व करने होते हैं, पूरे 50 नंबर का होता है, जहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा गद्यांश पर आधारित, जिसमें आपको एक जो क्वेश्चन होगा ये पूरा 3 नंबर का होगा, यानी कि पूरा एक क्वेश्चन है जो ये 3 नंबर का होता है, ये पूरा क्वेश्चन, उसमें के अंदर 2 क्वेश्चन दिया था, 1, 2, 3, तो ये 3, 3, 9, 6, ये पूरा हमारा 6 नंबर का बन जाता है। इसमें आपको देखिए, यदि हम ये देखिए एक गद्यांश दिया गया, उसके आधारित ही 3 क्वेश्चन दिए गए, देख लीजिए आप, अच्छे से आपको इनको तैयार कर लेना है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित आधार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये दूसरे का कहा है, दूसरे का काम है आपको, ये देखिए पद्यांश दिया गया, उसके आधारित ये कवि और कविता का नाम लिखिए, बुरी संगत किस प्रश्न से, ये 4 क्वेश्चन दिए गए, क्या चार क्वेश्चन दिए गए, इनको आपको अच्छे से एकदम रेडी कर लेना है एकदम। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में, अब ये केवल गद्य था एक पद्य था, अब संस्कृत क्या, संस्कृत में आपको एक संदर्भ दिया जाएगा, उसका हिंदी अनुवाद करना, ये देखिए आप, ये आपको अच्छे से पूरा संदर्भ देख लेना है, ये संस्कृत का गद्यांश, इसका पूरा हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद पूरा करना है और संदर्भ भी लिखना है। उसके बाद तीसरा का जो खा नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें खा जो उसके अंदर एक पद्यांश दिया जाएगा, संस्कृत में एक पद्यांश भी आता है, उसका आपको क्या करना है, उसका भी संदर्भ करना है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है, ये एक श्लोक दिया जाएगा उसका हिंदी में अनुवाद करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आएगा एक आपको एकांकी संबंधित, जिसमें देखिए 4 दीपदान एकांकी में कथानांक की समीक्षा कीजिए, समीक्षा इसमें एकांकी दी उसकी कथानांक की समीक्षा करनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है जो अब हमारा जीवन परिचय के अंतर्गत आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर का जो ऑप्शन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर का, उसके अंदर एक लेखक का जीवन परिचय, किसका, लेखक का जीवन परिचय, उसमें से प्रेमचंद या महादेव वर्मा का कर देना है आपको। और उसके बाद एक कवि का, खा नंबर में कवि का आएगा कबीरदास, मीराबाई या मैथिली शरण गुप्त में से आपको एक का कर देना है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक, इस पेपर में जो श्लोक ना दिया गया वो आपको एक श्लोक लिख देना है, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हिंदी में कीजिए, संस्कृत की क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 में से आपको केवल 2 करने हैं, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, ये आपको पूरे रेडी कर लेने हैं, आपको निम्न शब्दों के अर्थ बताते हुए उनके मुहावरे का प्रयोग कीजिए, 4 मुहावरे हमको दिए गए हैं, उनमें से सबका अर्थ बताते हुए उनका वाक्य प्रयोग भी करना है, 4 मुहावरे, जैसे कि उंगली पर नचाना, कलेजा ठंडा होना, आँख का तारा, गर्दन झुकना, ये 4 मुहावरे हैं, इनका हिंदी में अनुवाद प्लस इनका वाक्य प्रयोग भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 9वां है, क्या कह रहा है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द, आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, अग्रत, अगर का पर्यायवाची लिखना है, अश्व क्या होता है, घोड़ा होता है, इंद्र, इंद्र का भी पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, ये सबके पर्यायवाची लिखने हैं, एक एक पूछा गया, एक एक पर्यायवाची आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी आपको लेनी है, एक प्रार्थना पत्र लिखिए अपने, या फिर अथवा में आप निम्नलिखित किसी एक पर निबंध, किसी भी मतलब विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं, किसी एक विषय पर निबंध, इसे विषय नहीं बताया गया है, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं, 10 मिनट में आप प्रधानाचार्य को स्थान प्रमाण पत्र TC हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, आपको ये पूरा 5 नंबर का मिल जाएगा। इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है, एप्लीकेशन आपको इसमें लिखना है हिंदी में, एप्लीकेशन। उसके बाद और यही बस हमारा इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा जो हमारी 2025 होने वाली है अक्टूबर मंथ में, जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो अपना पेपर मिला सकते हैं, और जिनका बच्चा नहीं हुआ है वो अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ये है क्लास 9th का रियल मॉडल वायरल पेपर, जिससे आप पूरे के पूरे परीक्षा में 70 में 70 फोड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी से अच्छी कर सकते हैं।
तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।